नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पांच के पंच सीरीज नौ में। दोस्तों, पंच ऐसा जो पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके पेपर में ना आता हो। दोस्तों, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ो वही जो पेपर के लिए हो सही। तो वैशाली का नगर वधु किसका उपन्यास है? आपको ऑप्शन ए है जैनेन्द्र, बी है अमृतलाल नागर, सी है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और डी है भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों, जैनेन्द्र नहीं है, जैनेन्द्र नहीं है, क्योंकि मैंने इनके बारे में बता रखा है आप लोगों को पिछले के सीरीजों में कि जैनेन्द्र का कल्याणी, परक, त्यागपत्र, मुक्तिबोध, सुनीता। तो सुनीता और कल्याणी को इन्होंने परखा, फिर त्यागपत्र दे दिया और मुक्तिबोध किया, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो है नहीं। अमृत लाल नागर इन्होंने लिखा है दोस्तों, जो तुलसीदास है राजहंस के, जैसे मानस के राजहंस लिखा अमृत लाल नागर। अब बचे दो लोग, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और भगवती चरण वर्मा, जिनमें से सही उत्तर है दोस्तों सी, यानी कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आइए देखते हैं दोस्तों, जैनेन्द्र की अगर हम लोग बात करें, दोस्तों जैनेन्द्र की बात करें तो मैंने बताया था कि इन्होंने सुनीता लिखा है, सुनीता, कल्याणी, परक, त्यागपत्र और लास्ट में मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों? भाई जैनेन्द्र को मोहब्बत थी दोनों से, किससे? सुनीता और कल्याणी से। लेकिन इन्होंने इन दोनों को परखा तो पाया कि ये तो हमारे लायक है नहीं, तो इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। तो सुनीता और कल्याणी को परख कर त्याग पत्र देने के बाद उनको लगा कि अब हम मुक्त हो गए, यानी मुक्ति बोध की बात की। इनकी दोस्तों वातायन कहानी भी बड़ा पूछता है, जैनेन्द्र की कहानियां हैं जिसमें वातायन है दोस्तों, आगे देखिए और भी चीजें। तो दोस्तों इसमें देखिए, उपन्यास की बात कर रहा है ना, आइए धुआं मचाते हैं चारों के उपन्यास की। देखिए, हमने बताया था कि जैनेन्द्र ने सुनीता और कल्याणी को परख लिया था, परखने के बाद उसे लगा कि दाल में काला है, तो त्याग पत्र दे दिया और मुक्ति का बोध किया। दोस्तों इनका जन्म दिवस 1905 और मरे थे 1988 में। दोस्तों अमृत लाल नागर अक्सर प्रश्न पूछता है, महाकाल, बूंद व समुद्र, शतरंज के मोहरे, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, शतरंज के मोहरे कई बार पूछा गया है, बूंद व समुद्र भी पूछता है, मानस का राज हंस, तो दोस्तों इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, नाचो बहुत गोपाल, ये भी उपन्यास कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कौन, आपके अमृत लाल नागर, अमृत पी के नाचो बहुत गोपाल है ना, अमृत और विष भी देखिए लिखा है इन्होंने, अमृत लाल नागर है तो उन्होंने अमृत और विष भी लिखा है, और तुलसीदास पे तो उन्होंने मानस के राजहंस भी लिख दिया है। तो ये कुछ उपन्यास ध्यान रखिएगा इनके। अब आइए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जो 1891 में जन्म लेते हैं, 1960 में मर जाते हैं दोस्तों। इनकी बात करें तो गोली, सोमनाथ, वयम रक्षा मह, अब देखिए यही पूछा था, वैशाली की नगर वधु, यही तो आपका प्रश्न था ना दोस्तों। तो वैशाली की नगर वधु आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, तो जो चतुर आदमी होता है ना वही नगर वधु को उठा लाता है। चतुर आदमी क्या करता है, नगर वधु को उठा लाता है, जिसके पीछे सब पड़े थे, चतुर आदमी उसको उठा लाया, चतुर्सेन शास्त्री। अब आइए भगवती चरण वर्मा पे, 1903 में जन्मे थे, 1981 में मर गए थे दोस्तों। इनका जो है पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते कई बार पूछा है, सामर्थ्य और सीमा रेखा, सीधी सच्ची बातें पूछा और चित्रलेखा, दोस्तों ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछता रहता है। चलिए दोस्तों, तो ये देखिए पहला पंच जोरदार लगा ना, उसी तरह आइए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। अब देखिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? प्रश्न उत्तर है इसका ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी रंगे राघव, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी अमृत राय। आपके पास मात्र है 3 सेकेंड, बता दीजिए फटाक से बताइए। चलिए दोस्तों, प्रेमचंद है नहीं, मत समझिएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों पर लिखे हैं तो यही है, रंगे राघव भी नहीं है। अब बचे अमृत राय, फणीश्वरनाथ रेणु, तो इसमें से आपका सही उत्तर है सी, यानी फणीश्वरनाथ रेणु दोस्तों,
ये है आंचलिक उपन्यासकार। अब देखिए उपन्यासकारों में सबसे पहले उपन्यास सम्राट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उपन्यास सम्राट अर्थात मुंशी प्रेमचंद दोस्तों, ये जन्म लिए थे दोस्तों 1880 में और 1936 में चल बसे थे। 1880 से 1936 तक इनका याद रखिएगा। और सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन याद है, सेवा सदन याद है कि नहीं याद है? सेवा सदन दोस्तों पहला इनका उपन्यास है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा प्रेमाश्रय रंगभूमि, ध्यान रखिएगा इसको, दूसरा है प्रेमाश्रय, तीसरा है रंगभूमि, चौथा है निर्मला, फिर है गोदान, गबन, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये दोस्तों इनका अधूरा नाटक है, अधूरा नाटक मंगलसूत्र, तो ये याद रखिएगा। इसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, गोदान, गबन, मंगलसूत्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक और कर्म भूमि भी लिख लीजिए, इसमें कर्म भूमि भी इनकी एक रचना है। अब आइए दोस्तों चलते हैं नंबाकम, नंबाकम तिरुमल्लय रंगे राघव पर, ठीक है ना। इनका पूरा नाम था नंबाकम, नंबाकम तिरुमल्लय रंगे राघव दोस्तों। अगर रंगे राघव की बात करें तो इनकी जो रचना है उस पर हम लोग बात करते हैं। आइए दोस्तों रंगे राघव जो है ये आपके नंबाकम तिरुमल्लय रंगे राघव, इनका जन्म 1823 में हुआ था और 1982 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो है घरौधा, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, याद रखिएगा मुर्दों का टीला अक्सर पूछता है पेपर में, ये खोपड़ी में छेद करने वाला रचना है दोस्तों, पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला रचना, ध्यान रखे। सीधा सादा रास्ता, उबाल, अंधेरे के जुगनू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए जो कि इस प्रश्न का उत्तर है, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रति परिकथा और मैला आंचल, दो इनके उपन्यास है दोस्तों, और 1921 में इनका जन्म हुआ था और 1977 में मृत्यु। पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी है, ध्यान रखिएगा इसको। अमृत राय दोस्तों, अमृत राय की बात करें तो कलम का सिपाही इन्होंने लिखा है प्रेमचंद के ऊपर 1921 से 1996 तक। उसके बाद बीज उपन्यास इनका तिरंगा कपन कहानियों का संग्रह है, लाल धरती, नागफनी का देश, ये भी इनका रचना है दोस्तों। तो इस तरीके से चारों लोगों को हमने क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न दिया है मैला आंचल के लेखक कौन है, और इसमें आपको उत्तर दिख रहा होगा दोस्तों, ए है फणीश्वरनाथ रेणु, और बी है आपका देवराज, सी है आपका चतुर्सेन शास्त्री, और डी है नागार्जुन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु दोस्तों। हमने बताया भी था कि मैला आंचल, मैला आंचल जो है इनकी ही रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है, और प्रति परिकथा, प्रति परिकथा बताया था ना, याद करिए अभी, प्रति परिकथा, और पंचलाइट इनकी कहानी है। पंचलाइट क्या है, इनकी कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। देवराज के बारे में कुछ खास नहीं है, कभी आते भी नहीं है। चतुर्सेन शास्त्री दोस्तों तो याद रखिएगा, नगर वधु, कहाँ की नगर वधु बता दीजिए जरा सा, कहाँ की, वैशाली, वैशाली, वैशाली की नगर वधु, वैशाली की नगर वधु दोस्तों। गोली भी इनका रचना है, गोली, वयम रक्षामी, वयम रक्षामी, ठीक है ना। तो ये रचनाएं मुख्य मुख्य इनकी है। नागार्जुन यात्री उपनाम से लिखा करते थे दोस्तों, नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है नागार्जुन, यात्री के उपनाम से लिखा करते थे और इनका पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों। आइए देखते हैं इनके बारे में दोस्तों। नागार्जुन की बात करें तो ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे, वैद्यनाथ मिश्र इनका पूरा नाम था। इनकी कहानी देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों,
युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगी पंखों वाली, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली। उपन्यास की बात करें तो रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ। प्रिय साथियों ध्यान रखिए, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन जो आपका है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अनामदास का पोथा किसकी रचना है? अनामदास का पोथा किसका उपन्यास है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए उपेंद्रनाथ अस्क, 1910 से 1996 तक थे ये। मोहन राकेश, 1924 से 1972 तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1907 से 1979 तक। और देवराज, इन चार ऑप्शनों में से किसका उपन्यास अनामदास का पोथा? दोस्तों तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आइए देखते हैं तो इसका ऑप्शन दोस्तों उत्तर है सी, जिसका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए देखते हैं कि इनमें से किसकी किसका कौन कौन सा उपन्यास है। दोस्तों आप देखिए कि उपेंद्रनाथ अस्क जो 1910 से 1996 तक थे, इनकी गिरती दीवारें, शहरों में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों का खेल। देखिए शहरों में घूमता आईना, शहरों के लोग आईना ज्यादा अधिक से अधिक देखते हैं अपने आप को हैंडसम स्मार्ट दिखने के लिए। साथ ही साथ वहां पे सितारों के खेल होते हैं, गर्म राख होती है और गिरती हुई दीवारें होती हैं दोस्तों याद रखने के लिए। अगर हम बात करें मोहन राकेश की तो इनके कुछ उपन्यास हैं, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, कांपता हुआ दरिया। देखिए दोस्तों मोहन राकेश, कांपता हुआ दरिया और नीली रोशनी की बाहें। मोहन राकेश ने कहा नीली रोशनी की बाहें दोस्तों, तो ध्यान रखिए बंद अंधेरे कमरे में, नीली रोशनी की बाहें, कांपता हुआ दरिया, न आने वाला कल और अंतराल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाटक, नाटक दोस्तों आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटकों में से ये चार नाटक और चार पांच जो है उपन्यास याद रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये सब उपन्यास है दोस्तों। देखिए अनामदास का पोथा पूछा था किसका लेख है और उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। पुनर्नवा भी है, चारुचंद्र लेख भी है और बाण भट्ट की आत्मकथा भी है। अब आते हैं निबंध। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार व विषय विमर्श, कुटज, कई बार पूछा है दोस्तों कुटज किसका निबंध है, तो कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, जबरदस्त निबंध है दोस्तों। आलोक पर्व, इसी निबंध पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इसको और याद रखना है। चलिए ये देखिए, ये सारे के सारे जबरदस्त और सबसे अधिक पूछे जाने वाली रचनाएं हैं, इसको नोट करिएगा, पढ़ो वही जो पेपर के लिए हो सही। आगे बढ़िए, आपका प्रश्न है कि गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों का देवता उपन्यास दोस्तों ध्यान से सुनिए इसको, कौन है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, अमृत राय, मनोहर जोशी। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि कौन है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, तो इसका उत्तर जो है वो है दोस्तों धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती दोस्तों इसके लेखक हैं, जो गुनाहों के देवता उपन्यास है उसी के लेखक है। आइए इन चारों के बारे में अब देखते हैं। दोस्तों देखिए कमलेश्वर 1932 से लेकर 2007 तक, कितने पाकिस्तान, जार्ज पंचम की नाक, उसके बाद मांस का दरिया, इतने अच्छे दिन और कोहरा, ठीक है ना, इनके मुख्य उपन्यास है। धर्मवीर भारती सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ग्यारह सपनों का देश, इनका मुख्य उपन्यास है। कहानी में ठंडा लोहा, सात वर्ष गीत और कनुप्रिया, इनकी मुख्य कहानियां है दोस्तों। अगर हम बात करें अमृत राय की तो कलम का सिपाही, बीज, नागफली का देश, तिरंगा का फन, लाल धरती, ये महत्वपूर्ण उपन्यास इन तीनों के हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मनोहर श्याम जोशी तो इनका एक है कुरु कुरु
स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा जो है इनका एकमात्र रचना या उपन्यास कहिए कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से पांच का पांच सीरीज नौ इन पांच पेपर की खोपड़ी तोड़ने वाले प्रश्नों के साथ समाप्त होते हैं। और पढ़ो वही जो पेपर के लिए हो सही दोस्तों। ये नौ सीरीज जिसने देख लिया उसका 70% हिंदी साहित्य का इतिहास में जितनी रचनाएं हैं वो याद हो जाएगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।